तो गाइस आप बहुत ही परेशान में हो इस एप्लीकेशन को लेके। तो इस एप्लीकेशन को ये जो प्रॉब्लम आ रही है, एरर आ रही है, तो इस एरर को आप कैसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो वो मैंने इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले आपका जो फोन में प्ले स्टोर है, तो आपको प्ले स्टोर में आपको जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको आपका प्रोफाइल आइकॉन पर आपको जाना है, और प्रोफाइल आइकॉन पर जाने के बाद आपको यहाँ पे सेटिंग एक ऑप्शन है, तो आपको इस सेटिंग पर जाना है। और सेटिंग्स पर जाने के बाद आपको यहाँ पे नेटवर्क एंड परफॉर्मेंस पे जाना है, फिर आपको ऐप डाउनलोड परफॉर्मेंस पे जाना है, फिर आपको इसको एक्स मी एवरी टाइम इसको सेलेक्ट करना है, फिर ओके करना है। उसके बाद ऑटो अपडेट एप्स पर जाना है, डू नॉट ऑटो अपडेट इसको सेलेक्ट करना है, फिर बैक आना है, फिर ऑटो प्ले वीडियो पर जाना है, डू नॉट ऑटो प्ले वीडियो इसको सेलेक्ट करना है, फिर ओके करना है। फिर आपको यहाँ पे ऑथेंटिकेशन में आपको जाना है, फिर आपको यहाँ पे जो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन है तो इस पर आपको वो क्लिक करना है, और आपको यहाँ पे आपको ईमेल को पासवर्ड देके इसको कॉन्फर्म करना है। और ये प्रोसेस करने के बाद आपको आपका फोन में होम स्क्रीन पर आना है, और होम स्क्रीन पर आने के बाद आपको सेटिंग्स पर आपको जाना है, और सेटिंग्स पर जाने के बाद आपको यहाँ पे जो नेटवर्क एंड इंटरनेट है तो आपको उस पर जाना है, फिर आपको यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क पर जाना है, और मोबाइल नेटवर्क पर जाने के बाद आपको यहाँ पे एडवांस पर जाना है, और एडवांस में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक्सेस पॉइंट नेम पर आपको जाना है, फिर आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है, फिर रिसेट टू डिफॉल्ट इसको करना है। और ये करने के बाद आपका जो नेटवर्क में जो भी प्रॉब्लम होगा वो आपको सॉल्व हो जाएगा, और आपका इंटरनेट स्पीड भी हाई स्पीड हो जाएगा, और इंटरनेट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद आपका फोन में आपको होम स्क्रीन पर आना है। होम स्क्रीन पर आने के बाद आपको टेक्स्ट नाउ ऐप को आपको लॉन्ग टाइम प्रेस करना है, फिर आपको यहाँ पे जो आई एक आइकॉन है तो इस पर आपको क्लिक करना है, फिर आपको ऐप इन्फो में जाना है, और ऐप इन्फो में जाने के बाद आपको फर्स्ट स्टॉप पर आपको क्लिक करना है, फिर ओके करना है। और ये प्रोसेस करने के बाद आपको आपको यहाँ पे स्टोरेज एंड कैच तो इस पर आपको जाना है, फिर क्लियर कैच करना है, उसके बाद आपको क्लियर स्टोरेज पर जाना है, फिर आपको यहाँ पे डिलीट ऐप डाटा तो आपको इसको ओके करना है। और ये प्रोसेस करने के बाद आपको यहाँ से बैक आना है, और बैक आने के बाद आपको यहाँ पे परमिशन में जाना है, और यहाँ पे जो सारे ऑप्शन है तो आपको इसको अलाउ करना है। तो अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, और पास में जो बेल आइकन है इसको ऑन कर दो, और इस वीडियो को एक लाइक कर दो। और आपको इस एप्लीकेशन में जो मैं वीडियो बता रहा हूँ, आपको इस वीडियो में कौन सा वॉइस मुझे अच्छा लगे वो आप कमेंट में जरूर बताइए। और अगर हमारे चैनल पे अभी 2000 सब्सक्राइब है तो अगर यहाँ पे 250 सब्सक्राइब और ज़्यादा होगा तो हमारा इस चैनल का नाम मैं चेंज कर लूँगा। तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन भी ऑन करके रखना मत भूलो। तो यहाँ पे शायद मेरा सारे जो ऑप्शन है ऐसे इसको अलाउ कर दिया, फिर आपका फोन में जो होम स्क्रीन है तो आपको होम स्क्रीन पर जाना है, फिर आपको प्ले स्टोर में जाना है, और एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। उस एप्लीकेशन का नाम है क्रूब्रो वीपीएन। तो आपको प्ले स्टोर में आके आपको सर्च करना है वीपीएन, और वीपीएन सर्च के आपको यहाँ पे क्रूब्रो वीपीएन को आपको डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद आपको इसको ओपन करना है, और ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। और ये प्रोसेस करने के बाद थोड़ा यहाँ पे लोडिंग होगा, और लोडिंग होने के बाद आपको इसको यहाँ से कनेक्ट करना है, और आपको यहाँ से इस पर कनेक्ट टू टैप टू कनेक्ट पर आपको क्लिक करके इसको आपको कनेक्ट करना है। और कनेक्ट करने के बाद आपको टेक्स्ट नाउ एप्लीकेशन को ओपन करना है, और इसमें जो भी एरर आएगा वो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं हुआ दूसरे कोई एरर और प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं फेसबुक प्रोफाइल का लिंक दे देता हूँ, उससे आप हमसे उस स्क्रीनशॉट को भेज दो, और मैं उसके लिए फिर भी दूसरा एक वीडियो आपके लिए जल्दी अपलोड कर दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय, जय।
हिंद वंदे मातरम।